हरे कृष्ण मेरे सभी दर्शकों को, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज बात करूंगा प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर, मतलब कल करे सो आज करे सो अब, राइट? अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, इफ यू आर समवन हु प्रोक्रेस्टिनेट्स अ लॉट, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आज अगर आपको कोई काम दिया जाए कि ये सिर्फ 3 मिनट का काम है, इसको ख़त्म करो, अगर आप उनमें से हो कि आप बोलते हो नहीं, ये 3 मिनट का काम मैं अभी नहीं करूँगा, एक काम करता हूँ मैं 2 दिन बाद इसको ख़त्म करता हूँ, दैट्स प्रोक्रेस्टिनेशन। काम को अभी मत करना, काम को टाल देना, टरका देना कहते हैं ना, ये हैबिट आजकल के लोगों में बहुत है। बिकॉज उनके अंदर आत्मबल नहीं है, उनके अंदर वो शक्ति नहीं है कि वो उस काम को अभी ख़त्म करके दे। हनुमान जी कैसे थे? हनुमान जी सोचते नहीं थे, उनको बोला गया कि द्रोणागिरी पर्वत से जड़ी बूटी लानी है एंड इट्स लाइक 2500 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीलंका। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, उन्होंने बोला कि आप बताओ बस काम क्या है, कहाँ है, मैं ले आऊँगा। इज इट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कि किसी काम को आप कर रहे हो तो अभी ख़त्म करना है। उन्हें सोचा भी नहीं कि 2500 किलोमीटर में जाऊँगा, सूर्य उदय होगा तब तक मुझे लौटना है। नो, मैं जाऊँगा, उखाड़ूंगा उस संजीवनी बूटी को, ले आऊँगा। वो क्वालिटी हमें हनुमान जी से सीखनी है। प्रोक्रेस्टिनेशन अगर आप करते हो, मतलब आपके अंदर वो आत्मबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 16-17 साल के हो, आपके अंदर वो शक्ति नहीं रही, आपके अंदर वो वीर की पावर नहीं रही, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो कि मुझे पढ़ना नहीं है, आप हेल्पलेस हो, मोटिवेशन नहीं है अंदर, ये हैबिट बन जाएगी आपका। इट्स अ सिन, राइट? ये पाप है, ये एक दोष है। इन फ्यूचर अगर आप जॉब करोगे, 21-22-23 साल के हो गए, भगवान करे आपको जॉब हो जाए, तो बॉस आपको बोलेगा कि ये सिर्फ काम को करना है, इसको कंप्लीट करके मुझे चाहिए। आप बोलोगे कि नहीं सर, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके आता हूँ, थोड़ा सा आप चाय वाय पीने गए, फिर से आए आप, उस काम को बॉस ने बोला ख़त्म कर दो, फिर आप बोले कि एक्सक्यूज बहाना देने लगे, दैट्स प्रोक्रेस्टिनेशन। आजकल के लोग इन सब चीज़ों में रहकर अपना जो फोकस है, अपना जो काम ख़त्म करने की जो इच्छा है, वो नहीं मतलब डेवलप कर पाते हैं, राइट? वो दुनिया भर के ख़राब खराब चीज़ों में इंस्टाग्राम के रील्स चेक करना, लेकिन घंटों घंटों उस पर रहना, इस कारण से आत्मबल तो नष्ट हुआ ही है। जो ADHD से भी लोग आजकल ग्रसित हो रहे हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD, मतलब आप 5 सेकंड एक जगह नहीं बैठ पाते हो, 5 सेकंड आप खुद को देखो, आप बैठ पा रहे हो कि नहीं, किताब को लेके 5 सेकंड, एक मिनट मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 5 सेकंड, 30 सेकंड आप बैठ के देखो, आपको मन करेगा कि मैं फ़ोन देख लूँ, एक बार कहीं और चला जाऊँ, दैट्स कॉल ADHD। तो दैट्स वाई यू प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट। इस चीज़ को आपको ख़त्म करनी है, आपको गीता पढ़ना है ताकि आपका जो ब्रेन है वो रिवायर हो, आपको अच्छी चीज़ें यूट्यूब में देखना है, कंटेंट जैसे कि मैं दे रहा हूँ, इस चीज़ को कंज्यूम करना है और आपको आगे लाइफ में मोटिवेट होकर बढ़ना है, क्योंकि आपको कुछ बनना है ना, आपको थोड़ी वो इंस्टाग्राम के फालतू रील्स देखने हैं, राइट? तो आई होप आपने इसको समझा होगा, लाइफ में आप इसको उतारोगे। हरे कृष्णा।